नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक टी के। मेरे पास है Vivo V25 Pro, जिसमें है MediaTek Dimensity 1300 5G प्रोसेसर एंड द Vivo V23 Pro, जिसमें मिले आपको Dimensity 1200 5G प्रोसेसर। इस वीडियो में मैंने किया है दोनों ही स्मार्टफोन्स का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। देखते हैं कि यहां पर Vivo ने क्या है अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड परफॉर्मेंस में। वैसे आप बताएं कौन सा डिवाइस आपको ज़्यादा बेटर लगा, लुक्स में Vivo V23 Pro या फिर Vivo V25 Pro। यहाँ पर दोनों डिवाइस में आपको कर्व डिस्प्लेज मिलेंगी और यहाँ पर नॉच डिस्प्ले है Vivo V23 Pro में, और V25 Pro में आपको मिलेगा डॉट नॉच कर्व डिस्प्ले। अब करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स को सेम टाइम रीस्टार्ट और देखते हैं कौन सा डिवाइस पहले होम स्क्रीन पर आता है फास्ट रिबूट टेस्ट में। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है, कलर चेंजिंग ब्लू या फिर मैट ब्लैक, यह है दोनों स्मार्टफोन्स की हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशंस। दोनों स्मार्टफोन्स में मिलेगा आपको 8GB रैम वेरिएंट। यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों स्मार्टफोन्स में, और यहाँ पर डायमेंसिटी 1200 है V23 Pro में, और V25 Pro में मिलेगा आप डायमेंसिटी 1300। दोनों स्मार्टफोन्स है 5G। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन सेम टाइम रिस्टार्ट हो गए हैं और दोनों को हमने सेम पॉइंट प्रोवाइड किए हैं। अब बताएं कि आपने रैनो 8 वर्सेज V25 Pro की हमारी वीडियो देखी है नहीं। यहाँ पर अब करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स को सेम वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड और सभी रिसेंट ऐप्स को करते हैं अब क्लोज। अब करते हैं इनका स्पीड टेस्ट कंपैरिजन ऐप ओपनिंग से और देखते हैं कौन सा रहेगा बेस्ट आपके लिए। Thank you.
BGMI या फिर PUBG गेम को पहले ओपन किया है V25 Pro ने, और दोनों स्मूथ प्लस एक्सट्रीम बैलेंस्ड अल्ट्रा HD अल्ट्रा एंड HDR अल्ट्रा को सपोर्ट करते हैं, और अल्ट्रा HD दोनों स्मार्टफोन्स में सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पर गेमिंग के लिए दोनों यहाँ पर सेम ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं। दोनों में आपको 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, और यहाँ पर सेम पॉइंट यानी कि 10 पॉइंट स्कोर किया है Vivo V23 Pro ने, 25 Pro ने किया है पर 5 पॉइंट स्कोर। आप बताएं परफॉर्मेंस में कौन सा ज़्यादा बेटर लगा, Vivo V23 Pro या फिर Vivo V25 Pro। यहाँ पर जो डिफरेंस है, ऐप ओपनिंग वो स्लाइटली ही ज़्यादा फास्टर है थोड़ा सा V23 Pro का। वैसे आप बताएं अपने थॉट्स। अब करते हैं इनका रैम मैनेजमेंट टेस्ट और देखते हैं कौन सा यहाँ पर बेटर रैम मैनेजमेंट कर पाता है, Vivo V23 Pro या फिर Vivo V25 Pro। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में 8GB रैम वेरिएंट। सबसे पहले ओपन करते हैं गाना एप्लीकेशन, और यहाँ पर रिलोड किया है V25 Pro ने, और काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड में रन किया है Vivo V23 Pro ने। क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स ने किया है रिलोड पेज को। देन प्ले स्टोर, यहाँ पर दोनों ने अच्छे से बैकग्राउंड में रन किया है। देन फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, और यहाँ पर रिलोड किया है V25 Pro ने। Amazon, यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स ने किया है Amazon को रिलोड। और अब ओपन करते हैं YouTube एप्लीकेशन, यहाँ पर रिलोड किया है V25 Pro ने, और काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड में रन किया है V23 Pro ने। अब ओपन करते हैं Facebook, यहाँ पर अच्छे से बैकग्राउंड में रन किया है दोनों स्मार्टफोन्स ने। देन नाउ Instagram, और यहाँ पर भी दोनों ने अच्छे से बैकग्राउंड में रन किया Instagram को, स्लाइटली फास्ट है V25 Pro। देन Snapchat को भी अच्छे से बैकग्राउंड में रन किया दोनों स्मार्टफोन्स ने। और अब ओपन करते हैं जॉइन एंड क्लैश गेम, यहाँ पर रिलोड किया है V23 Pro ने, काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड में रन कर रखा है V25 Pro ने। टेम्पल रन गेम, और यहाँ पर दोनों ने अच्छे से बैकग्राउंड में रन कर रखा है, स्लाइटली फास्ट है V23 Pro। और अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर्स, और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स ने किया है रिलोड गेम को। और अब लास्ट ऐप ओपन करते हैं यानी कि गेम BGMI या फिर PUBG, और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स ने किया है रिलोड गेम को। आप बताएं कि आपको कौन से स्मार्टफोन्स का रैम मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर लगा, V23 Pro या फिर V25 Pro। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट कौन सा है, V23 Pro या फिर V25 Pro। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।